Okay, grade 3, welcome back. Your second session today is of English literature with me. After that, we are going to have a science session too. ठीक है, English literature में what we have done in the last class, we have done unit number 1, the cyclone, and topic, the farm in Kansas. The farm in Kansas, it was a farm of Dorothy's Uncle Henry and Auntie M. Uncle Henry was a farmer, as we have studied in the last class. They described the farmhouse. कि फार्महाउस कैसा था. इट वॉज अ वेरी स्मॉल फार्म हाउस, वॉज ओनली ऑफ वन रूम. ठीक है, देयर वर टू बेड्स इन द फार्म हाउस इन दैट रूम, वन फॉर अंकल आंट एंड अंकल एंड आंट एंड द सेकेंड वन फॉर डोरोथी. डोरोथी हैड नो वन टू प्ले विद, देयर वॉज नो वन विद इन देयर सराउंडिंग. वहां पे कोई रहता नहीं था, कोई आता जाता नहीं था, वहां सिर्फ अंकल आंटी और डोरोथी रहते थे. डोरोथी हैड अ डॉग हूज नेम इज टोटो. टोटो के साथ डोरोथी खेलती थी एंड शी लव टोटो वेरी मच, क्योंकि डोरोथी के पास टोटो के अलावा कोई और था नहीं. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट देयर फार्म हाउस वॉज कि उनके फार्म हाउस के रूम में, उनके फ्लोर पे, फ्लोर मतलब जमीन पे एक डोर बना हुआ था. जैसे वो डोर खोलते थे तो वहां पर नीचे की साइड पे एक बेसमेंट बना हुआ था. वो बेसमेंट क्या था, दैट बेसमेंट वॉज अ रूम. वो रूम इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कैंसर्स में अक्सर जो है वो थंडरस्टॉर्म आते हैं, तो थंडरस्टॉर्म से बचने के लिए वो रूम और सेफ्टी के लिए वो रूम बनाया गया है कि जैसे ही थंडरस्टॉर्म के का टाइम आए तो वो नीचे जाके अपने आप को लॉक करके अपने आप को आंधी तूफान वगैरह से बचा सके. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस नेक्स्ट वन, दैट इज अ स्ट्रेंज थिंग्स, पेज नंबर 2. महार इज गोइंग टू रीड फॉर अस. One day, Uncle Henry was sitting at the open door of the farmhouse. He was looking up at the sky. He could see some big black clouds. Dorothy was standing at the door with Toto in her arms. She was looking at the sky too. Aunt Em was washing the dishes. From the north, Uncle Henry and Dorothy heard the noise of the wind. They could see the long grass moving. Then they heard the noise of the wind coming from the south. They looked that way. They saw small waves in the grass coming quickly towards them. Okay, what happened? Uncle Henry was sitting at the open door of farmhouse. He was looking up at the sky. वो आसमान की तरफ देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि some black clouds were coming. Dorothy was standing at door with Toto. Dorothy भी वहां door के पास Toto के साथ खड़ी हुई थी. उसने भी आसमान की तरफ देखा तो उसने भी ब्लैक क्लाउड्स देखे. उस टाइम आंटी जो थी वो डिशेस वॉश कर रही थी. फिर क्या हुआ, फ्रॉम द नॉर्थ अंकल हेनरी और डोरोथी हर्ड द नॉइस ऑफ द विंड. अंकल हेनरी और डोरोथी को बहुत जोर से हवाओं की आवाज आने लगी. उन्होंने देखा कि लॉन्ग ग्रास जो है, बड़ी ग्रास जो है उस साइड पे ग्रास जो है वो हिलने लग गई थी. दे हर्ड द नॉइस ऑफ द विंड कमिंग फ्रॉम द साउथ. फिर उन्होंने देखा कि साउथ से भी इतनी जोर जोर से हवाओं की आवाजें आने लग गई. उन्होंने फिर ग्रास में ना वेव्स देखी, लहरें आने लग गई. जैसे बहुत जोर से जब हवा चलती है ना कंटिन्यूसली तो उसमें वेव्स आने लग जाती है, तो उसमें वेव्स आने लग गई. देयर इज अ साइक्लोन कमिंग, एम अंकल हेनरी शाउटेड टू आंट एम. गो डाउन इनटू द सेलर, आई विल गो एंड लुक आफ्टर द एनिमल्स. ही रैन टुवर्ड्स द शेड्स. Aunt Em stopped work. She came to the door. Quick, Dorothy, she said. Toto jumped out of Dorothy's arm. He did not like going into the storm cellar. He ran and hid under the bed. The little girl went to get him. Aunt Em climbed down into the dark circle cellar. Dorothy caught Toto and turned to follow. She ran towards the cellar door. She heard the wind making a very loud noise. The house shook. Dorothy fell over. Then a very strange thing happened. The house moved, it turned round 2 or 3 times. Then it rose slowly into the air. Okay, फिर क्या हुआ कि जब उनको बहुत ज्यादा विंड की आवाज आने लग गई तो अंकल हेनरी ने आंट एम को आवाज दी कि गो एंड सेव योर सेल्फ एंड गो टू द स्टॉर्म सेलर. आंट एम फौरन से भाग के स्टॉर्म सेलर के नीचे चली गई. फिर क्या हुआ कि डोरोथी जो है वो टोटो को लेके नीचे जा ही रही थी. शी वॉज गोइंग डाउन स्टेयर्स बट टोटो डोंट लाइक टू गो इनटू द स्टॉर्म सेलर.
तो वो बेड के अंडर द बेड जो है वो छुप गया। लेकिन डोरोथी फिर वापस आई टोटो को लेने लगी और वापस सेलर के गेट तक पहुंची ही थी कि उनका जो फार्म था, फार्म जो है वो 2 to 3 times राउंड राउंड घूमा। वो इतनी जोर से हवा की उससे 2 से 3 बार राउंड राउंड घूम के और फिर वो हवा में उड़ने लगा जैसे कि वो जमीन से निकल रहा हो। द हाउस मूव इट फील्स लाइक वी आर गोइंग अप इन अ बलून, थॉट डोरोथी। वॉट वॉज हैपनिंग? वेल, द नॉर्थ एंड साउथ विंड्स मेट वेयर द हाउस स्टूड। द हाउस वॉज एट द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन। इन द मिडल ऑफ अ साइक्लोन द एयर इज स्टिल बट द विंड रशेस राउंड एंड राउंड। फिर क्या होता है साइक्लोन के बीच में कि इतनी जोर जोर से वो साइक्लोन के बीच में घूम रहा था, घर ऐसा लग रहा था कोई स्विंग नहीं होता जो राउंड राउंड घूमता है, वैसे उनका घर पूरा घूम रहा था। दिस साइक्लोन लिफ्टेड द लिटिल हाउस, द हाउस वेंट अप एंड अप अंटिल इट वॉज हाई इन द स्काई। फिर वो साइक्लोन जो है वो हाउस को बहुत ज्यादा लिफ्ट कर मतलब खींचने लगा अपनी तरफ और हवा में जो है वो फिर घर उड़ने लगा जब तक वो ऊपर तक नहीं गया। द साइक्लोन कैरीड द हाउस फार फार अवे। फिर क्या हुआ कि तूफान ने वो घर उठाया अपनी पूरी इतनी ज्यादा एनर्जी और उसकी स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से और उठा के बहुत दूर फेंक दिया। दिस वॉज इन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंस। एनी क्वेश्चन? नो, लेट्स कंटिन्यू। डोरोथी इज नॉट फ्राइटेंड। नाउ द हेडिंग इज डोरोथी इज नॉट फ्राइटेंड, पेज नंबर 3। मतलब कि डोरोथी को डर नहीं लगता। इट वॉज डार्क एंड नॉइसी इन साइड द हाउस। टोटो डिड नॉट लाइक इट। ही रैन अबाउट द रूम बार्किंग लाउडली बट डोरोथी फाउंड शी वॉज राइडिंग अलोन अलोंग क्वाइट इजीली। शी जस्ट सेट स्टिल ऑन द फ्लोर। शी वेटेड टू सी वॉट वुड हैपन। वंस टोटो गॉट टू नियर द सेलर डोर, इट वॉज स्टिल ओपन एंड ही फेल थ्रू। एट फर्स्ट द लिटिल गर्ल थॉट शी हैड लॉस्ट हिम बट सून शी सॉ वन ऑफ हिज इयर्स स्टिकिंग अप थ्रू द होल। द साइक्लोन वॉज कीपिंग हिम अप सो दैट ही कुड नॉट फॉल। शी कॉट टोटो बाय द एयर एंड पुल्ड हिम अप। देन शी क्लोज द सेलर डोर। अच्छा, जब वो सेलर डोर जो है, सेलर का मतलब मैंने आपको बताया था कि अंडरग्राउंड में वो एक रूम बनाते हैं, बेसमेंट टाइप बनाते हैं फॉर देयर सेफ्टी। तो सेलर का जो डोर था वो खुला हुआ था और टोटो जो था, टोटो को सेलर में जाना अच्छा नहीं लगता। ही वॉज बार्किंग वेरी लाउडली। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो ऑलमोस्ट उड़ने ही लगा था तो टोटो और डोरोथी को भी लगा कि वो ऑलमोस्ट उड़ गया है, लेकिन उसने देखा कि उसका एक ईयर उसको नजर आ रहा था। देन व्हाट हैपेंड? डोरोथी ने उसका ईयर खींचा और सेलर के अंदर उसको खींच लिया फौरन। आर आफ्टर आर पास्ट, डोरोथी बिगेन टू फील लेस फ्राइटेंड। फिर 1 घंटों के बाद टाइम टू टाइम गुजरता गया, डोरोथी को फिर उसका डर थोड़ा थोड़ा कम हो गया। शी वेंट एंड ले डाउन ऑन हर बेड। फिर वो गई और वो अपने बेड पे लेट गई। टोटो फॉलोड एंड ले डाउन बिसाइड हर। डोरोथी क्लोज हर आईज, सून दे वर बोथ एस्लीप। फिर क्या हुआ के ना, डोरोथी को डर नहीं लगने लगा। शी वॉज ओके, शी वेंट टू हर बेड। वो अपने बेड पे सोने चली गई, टोटो वॉज विद हर और वो दोनों फिर थोड़ी देर में सो गए। नाउ द थर्ड टॉपिक दैट इज द मंचकिंस, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4, द मंचकिंस। द हाउस इट द ग्राउंड, टोटो वॉज फ्राइटेंड। ही पुट हिज कोल्ड लिटिल नोज इन टू डोरोथीज फेस। डोरोथी वोक अप। द लिटिल गर्ल सॉ दैट द हाउस वॉज नॉट मूविंग एनी मोर। Everything was quite bright shine. Sunshine was coming through the window. It filled the little house with golden light. Dorothy jumped from her bed and went to open the door. There she gave a cry of surprise. When she looked out, she could see that the house was not in Kansas. Also, standing at the door were some strange looking people. Okay, what happened? As I told you, कि हवा वो उन लोगों को feel नहीं हुआ, लेकिन वो घर जो है वो हवा में उड़ के कहीं दूर चला गया था। और जब डोरोथी सुबह उठी, उसने देखा कि सनशाइन आ रही है, सूरज की रोशनी आ रही है, एवरीथिंग इज ओके।
तो उसने क्या करा, उसने फौरन अपने घर का दरवाजा खोला. व्हाट हैपेंड व्हेन शी ओपन द डोर, शी सॉ दैट द हाउस इज नॉट इन कैंसर्स. एंड द सेकेंड थिंग शी सॉ एंड शी वॉज सरप्राइज कि ना वहां अजीब से दिखने वाले कुछ लोग थे, वो नॉर्मल लोग नहीं थे, वो कुछ अजीब दिख रहे थे. देयर वर थ्री मैन एंड अ वुमन. दे लुक क्वाइट ओल्ड बट दे वर नो टॉलर देन डोरोथी. द मैन वर ड्रेस्ड इन ब्लू क्लोथ्स, द वुमन वॉज ड्रेस्ड इन व्हाइट. They all had painted hats on their heads. When they saw Dorothy, they whispered to one another. They looked frightened. Then the little old woman walked up to Dorothy and bowed. क्या हुआ कि वो जो दिखने में जो लोग थे, the four people, three were man and one was woman. उनकी हाइट डोरोथी से ज्यादा नहीं थी. क्या वो लोग खुद डोरोथी को देख के डर गए थे और डोरोथी भी उन लोग को देख के थोड़ी सी घबरा गई थी, थोड़ी डर गई थी. Welcome to the land of the munchkins, most wonderful witch, she said. These people want to thank you for killing the wicked witch of the east. You have set them free. Dorothy was surprised. You are very kind, but there must be some mistake, she said. I am not a witch. I have not killed anyone. Okay, so they thought ki wahan ki jo wicked witch thi, wicked ka matlab hota hai chalak aur lalchi jo hote hai na, wo wicked witch thi. Unko laga ki Dorothy ne us wicked witch ko maar diya hai. तो वो लोग डोरोथी को थैंक यू करने गए थे, पर डोरोथी ने उनको बोला कि नहीं, हो सकता है यू पीपल आर गेटिंग इट रॉन्ग, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं कोई विच नहीं हूँ, आई डिडंट किल एनीवन. वेल योर हाउस डिड, रिप्लाइड द लिटिल ओल्ड वुमन विद अ लाफ. लुक देयर आर हर फीट, यू कैन सी देम स्टिकिंग आउट. अब एज यू ऑल कैन सी इन द पिक्चर ऑन पेज नंबर 5, डोरोथी के पाव के नीचे पाव नजर आ रहे हैं विद सिल्वर शूज. लुक एट देयर केयरफुली, नजर आ रहे हैं, कैन यू ऑल सी दैट, है ना. तो क्या हुआ डोरोथी, यस, तो क्या हुआ था कि डोरोथी का जो घर था वो विकेट विच के ऊपर गिरा था, तो इस वजह से वो विकेट विच मर गई थी. डोरोथी लुक्ड, इट वॉज ट्रू, टू फीट वर स्टिकिंग आउट फ्रॉम अंडर अ कॉर्नर ऑफ द हाउस. देन फीट हैड सिल्वर शूज ऑन. As I told you, silver shoes, you can see in the picture. Oh dear, cried Dorothy. The house must have fallen on her. Who was she? The wicked witch of the east, answered the little woman. She made all these people, the munchkins, her slaves. Now, because of you, they are free. ठीक है, the wicked witch, she is telling के wicked witch तो जी, उसने जो है वो Dorothy ने उन सबको save करा. कैसे save करा? के ना उसका हाउस उसके सबके ऊपर गिर, उस विकेट वेज के ऊपर गिरा, जिसकी वजह से वो मर गई. उसने वहां के लोगों को जो था वो अपना गुलाम बनाया हुआ था और मंचकिंस बनाया हुआ था. अब सब फ्री हो गए. सो दिस वाज ऑल इन टुडेज लेक्चर. एनी क्वेश्चन, एनीवन? नो, इज इट क्लियर टू यू ऑल? नाउ टेक आउट योर डायरीज